स्वागत है आपका। मैं हूँ आपके साथ भारती सिंह। आज डॉक्टर स्पेशल में हम आए हैं माइक्रोमोल सॉल्यूशंस लैब। यहाँ हम मिल रहे हैं डॉक्टर अर्चना से, जो कि माइक्रोबायोलॉजिस्ट है। चलिए सीधा उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये स्पेशल लैब किस चीज में स्पेशलिटीज रखती है और क्या क्या चीजें यहाँ पर ऐसी है जो आपको बाकी लैब से बेटर मिलेंगी यहाँ पर। मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैम। पहला सवाल हमारा आपसे ये है कि आप अपने बारे में बताइए, इससे पहले कि हम पूरी लैब के बारे में जानें और तमाम चीजें आपसे जानें कि क्या कुछ यहाँ पर होता है, क्या कुछ एडवांस है, उससे पहले हम चाहते हैं कि आप आपके बारे में बताएं कि आपकी स्टडीज कहाँ से शुरू हुई, आप यहाँ तक कैसे आए और क्या कुछ आपने लाइफ में हर्डल्स देखे हैं अभी तक, तमाम चीजें। भारती जी, मेरा जो करियर है बहुत ही स्ट्रगलिंग करियर है जी। मैंने एक बहुत ही टेक्निकल पर्सन की तरह शुरू किया है जी। ठीक है, मैंने MSc माइक्रो करी इलाहाबाद से। ठीक है, उससे पहले मैं टेक्निकल काम कर रही थी अपोलो हॉस्पिटल में ही। ठीक है, अपोलो हॉस्पिटल मैंने ऑलमोस्ट 12 इयर्स तक केटर किया है उनको। और जब मैंने छोड़ा वहाँ पे, मैं चीफ टेक्निकल ऑफिसर थी वहाँ पे। ठीक, अभी मेरी क्वालिफिकेशन है PhD मॉलिक्यूलर माइक्रोबायोलॉजी, जो मैंने जयपुर से करी है। इस मेरे 25 इयर्स के करियर में ये लैब मैंने शुरू करी 2011 में। 2011 के बाद ये जो लैब मैंने बनाई है माइक्रोमोल सॉल्यूशन, इसको मैंने ये सोच के बनाया है कि इसको हम स्पेशलाइज्ड मॉलिक्यूलर माइक्रोबायोलॉजी की तरह केटर करेंगे। सारे पैरामीटर्स जो और जगहों पर 7 दिन में 5 दिन में ऐसे दिए जाते हैं, माइक्रोमोल सॉल्यूशन में उनका टर्न अराउंड टाइम जो रिपोर्टिंग का है बहुत कम हमने रखा है। जैसे 1 दिन, कभी कभी ड्रग लेवल लेते हैं हम जैसे ट्रांसप्लांट के बाद, तो उसको हम और लैब्स में 8 घंटे में रिपोर्ट आती है, यहाँ पे हम 2 घंटे में ही देने की कोशिश करते हैं। जी जी मैम, बहुत सारे टेस्ट क्योंकि यहाँ पर होते होंगे, तो हम ये जानना चाहेंगे कि कौन से बहुत कॉमन टेस्ट हैं जो नॉर्मली लोग करवाते हैं, कौन से ऐसे कॉमन टेस्ट होते हैं। ये माइक्रोमोल सॉल्यूशन स्पेशलाइज लैब है, इसमें कॉमन टेस्ट के अलावा जैसे नॉर्मल लगा लीजिए कंप्लीट हीमोग्राम हो गया, ब्लड शुगर हो गया, लिपिड प्रोफाइल हो गया, किडनी प्रोफाइल हो गया, लिवर प्रोफाइल हो गया, इस थायराइड प्रोफाइल हो गया, जो कि एक नाम जनता कराती है। उसके अलावा कुछ वायरोलॉजी और ड्रग लेवल के स्पेशलाइज टेस्टिंग होता है जी, जो कि सिर्फ ट्रांसप्लांट के बाद या कुछ गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है उस तभी होती हैं। ठीक है, उन पेशेंट्स को हर 3 महीने में या महीने में या 15 दिन में उन टेस्टिंग की जरूरत पड़ती है। इस लैब का फायदा ये है माइक्रोमोल सॉल्यूशन का कि यहाँ पर आपको जैसे कॉस्ट इफेक्टिव मिलेगा टेस्ट जी, और अगर कोई भी रिपोर्ट आपको 4 दिन में मिलने वाली है वो 1 दिन में ही मिल जाएगी। टेस्ट जैसे हैं, अगर हम बात करें तो जैसे हेपेटाइटिस बी वायरल DNA की बात करें जी, जी। तो उसका क्वांटिफिकेशन और लैब में देखें तो 4 से 5 दिन में होता है। माइक्रोमोल सॉल्यूशन में मुझे बहुत गर्व के साथ कहना पड़ता है कि इसका रिपोर्ट आपको 1 ही दिन में मिल जाएगा। 1 दिन भी बहुत बड़ी बात है, हम 5 से 6 घंटे में ही सबसे लेटेस्ट इक्विपमेंट के साथ क्वांटिफाई करके, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ क्वांटिफाई करके रिपोर्ट दे देते हैं। तो जिन पेशेंट्स को बहुत दिक्कत होती है, सर्जरी की ज़रूरत होती है इमीडिएटली, उनका वायरल DNA वायरल RNA चाहिए होता है जल्दी, या हॉस्पिटल एडमिशन चाहिए होता है, उनको ये टेस्ट, इस तरीके के टेस्टिंग की बहुत मदद मिलती है ताकि रिपोर्ट बहुत जल्दी मिल जाए, ताकि वो जल्दी से जल्दी अपना ट्रीटमेंट करा सके। अगर क्योंकि लैब दिल्ली में बेसिकली सिचुएटेड है, हमारी मेन लैब दिल्ली में ही है, तो दिल्ली से बाहर के जो लोग हैं इलाहाबाद के और नोएडा से, गाजियाबाद से आते हैं, अलीगढ़ से आते हैं, उनको रुकने की दिक्कत होती है। वो लोग अपना सुबह आके सैंपल देके शाम तक रिपोर्ट लेके डॉक्टर को दिखा के दवाइयाँ लिखवा के दवाइयाँ खरीद के वापस अपने घर जा सकते हैं, तो उनका और खर्च जो रहने का है और परेशानियाँ बच जाती हैं, एक्सपेंसिव बच जाते हैं। तो माइक्रोमोल सॉल्यूशन पर ये बेस्ट पार्ट हमें डॉक्टर अर्चना बता रही है कि यहाँ पर आपके साथ टाइम की प्रॉब्लम नहीं होगी। यूजुअली ये देखा जाता है मैम कि जब हम कुछ टेस्ट होते हैं, डॉक्टर्स लिखते हैं और उन टेस्ट को आने में ही वक्त लग जाता है, उसके बाद हमारे जो टेस्ट होने के बाद सर्जरी होती है या एंजियोग्राफी है, ये तमाम चीज़ें जो होती हैं उसमें एक डिले हो जाता है और उसी की वजह से कई बार कुछ दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। तो ये एक अच्छा पार्ट है कि यहाँ पर एक टाइम फ्रेम के अंदर आपको टेस्ट के रिजल्ट्स मिल जाएंगे, रिपोर्ट्स मिल जाएंगे, ताकि आपकी आगे की जो भी आपकी मेडिसिन है या तमाम चीज़ें हैं, सर्जरीज हैं, वो आप बेहतर तरीके से और जल्दी से जल्दी करवा सकें, जो कि मुझे लगता है मैम एक पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी। ज़रूर ज़रूर, और ड्रग लेवल स्पेशली जो किडनी ट्रांसप्लांट के पेशेंट होते हैं, लिवर ट्रांसप्लांट के पेशेंट होते हैं, हार्ट ट्रांसप्लांट के पेशेंट होते हैं, उनको ड्रग लेवल हर 15 दिन में 20 दिन में या कभी कभी हफ्ते में भी कराने पड़ते हैं जी। तो माइक्रोमोल सॉल्यूशन में ये बहुत अच्छी बात है कि हम बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे इनकी टेस्टिंग करते हैं और रिपोर्ट का टर्न अराउंड टाइम 2 घंटे में ही दे देते हैं।
यानी कॉस्ट इफेक्टिव भी है और चीजें जो है आपको एक जगह पर मिल रही है, कॉस्ट इफेक्टिव है, तो ये बहुत अच्छा हो जाता है मैम। क्योंकि हमारे इंडिया में जो लोग हैं वो उतने अवेयर नहीं है, चाहे वो हम गाँव की बात करें चाहे हम शहरों में भी कई जगह पर लोग इतने अवेयर नहीं है कि रेगुलर टेस्ट बहुत जरूरी होते हैं। एक अच्छी लैब के साथ साथ अच्छी लैब आपके पास है लेकिन आप अगर अवेयर ही नहीं है कि आपको टेस्ट करवाने चाहिए, हर एक टाइम फ्रेम के बाद आपको टेस्ट करवाने चाहिए, तो मैं चाहती हूँ कि आप खुद डॉक्टर हैं तो आप हमारे दर्शकों को बोले, उनसे आग्रह करें कि आप रेगुलर टेस्ट करवाइए। आपकी एक एज फ्रेम, और कौन सी एज फ्रेम होती है, जैसे कि 10 साल के अगर आप हैं तो क्या आपको 10 साल के अंदर कुछ टेस्ट रेगुलरली हर साल करवाने चाहिए, या फिर एक एज के बाद यानी सीनियर सिटीजन हो गए या 30 एज के बाद, और वुमेन्स में स्पेशली कहते हैं कि 30 साल के बाद आपकी चीजें जो बदलने लगती हैं तो आपको कुछ टेस्ट जो है रेगुलर फ्रेम पे करवाने चाहिए, तो वो कौन सी चीज़ है? देखिए, अगर वैसे तो हर एक इंसान को एक ईयरली या टू ईयरली हर एज पे कराने चाहिए टेस्ट जी। लेकिन अगर स्टैंडर्ड एक प्रोटोकॉल की बात करें तो 25-30 इयर्स के एज में, एज ग्रुप में सबको ही ईयरली एक बार टेस्ट अपना होल बॉडी चेक कराते रहना चाहिए। आजकल वायरसेस का बहुत ज़्यादा शंका रहती है और फैल भी रहा है। पहले जैसे HIV का लोग बहुत ज़्यादा बोलते थे कि HIV का बहुत भ्रम रहता है यंगस्टर्स में जी। लेकिन आजकल HIV के कंपैरिजन में हेपेटाइटिस बी और सी को लेकर भी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस ज़रूरी है, तो क्योंकि ये भी खून के संक्रमण से फैलता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, और भी बीमारियाँ हैं जैसे शुगर हो गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है बॉडी का, और 25-30 के बाद हर साल सबको एक होल बॉडी चेक जिसमें आपका लिवर, किडनी, थायराइड, विटामिन्स, क्योंकि पैरों का भी दर्द बहुत ज़्यादा रहता है लोगों को, शुगर का प्रॉब्लम रहता है, किडनी का दिक्कत हो सकता है, और शुगर की वजह से किडनी में भी दिक्कत आती है। तो जब तक शरीर का उतना लेवल ना पहुंच जाए कि बीमारियां बहुत हद तक ऐसा भयंकर रूप ना ले लें कि ठीक ही ना हो पाए, उससे बेहतर है कि हम हर साल उसको किसी भी अच्छी लैब में जाके टेस्ट कराते रहिए। जी बिल्कुल डॉक्टर अर्चना, आप बहुत अच्छी बात आपने बताई, और हम दर्शकों से भी इस बात का आग्रह करना चाहेंगे, गुजारिश करना चाहेंगे कि जैसा मैम ने बताया कि 25-30 साल की अगर आपकी उम्र हो गई है और आपको अगर कोई परेशानी नहीं भी है तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने टेस्ट जो है वो रेगुलरली करवाते रहें, 6 महीने में या साल में आप टेस्ट जरूर करवाते रहें फुल बॉडी, ताकि एटलीस्ट आपको पता रहे कि आपकी बॉडी में क्या कुछ डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, क्या कोई डिजीज है जो आपकी बॉडी में डेवलप हो रही है। से बेहतर है कि आप पहले से उसे समझ लें और उसकी मेडिकेशन जो है वो शुरू कर दें, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्योंकि वायरस के मामले में आप एक्सपर्ट हैं, तो इस वक्त कोविड का वायरस जो है वो इतना ज्यादा भारी है देश पे, दुनिया पे, और पूरी दुनिया झेल रही है उसे, और साथ ही में न्यू स्ट्रेन भी आ गया है, तो इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी देना चाहेंगे दर्शकों को आपके माध्यम से, ताकि हम उन्हें और अवेयर कर सकें और स्पेशली उनसे और गुजारिश कर सकें, क्योंकि आजकल लोगों ने इसे बहुत लाइटली लेना शुरू कर दिया है। हम चाहते हैं कि आप उन्हें समझाएं कि ये इतना लाइटली लेने वाली चीज़ नहीं है। अभी जैसे कोरोना वायरस से हमने पूरे देश ने बहुत बुरी तरह इसको झेला है, पूरे एक साल से हम लोग झेल रहे हैं, भारत ही की बात नहीं करें और भी दुनिया, विश्व में सभी लोग, सभी देश इस वायरस को झेल रहे हैं बहुत बुरी तरह। इसके स्ट्रेन्स ने सब लोगों को इफेक्ट किया है, हालांकि इंडिया में उतनी लीथल स्ट्रेन नहीं मिली है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, लेकिन फिर भी मैं बात करूँ जैसे अभी बर्ड फ्लू भी आ गया है, तो 1998 में अगर हम बात करें तो हमने एक डेंगू वायरस को बहुत बुरी तरह झेला है, उससे भी बहुत डेथ रेट बढ़ा था। फिर 2009 और 10 में हमने स्वाइन फ्लू को झेला है, तो अभी हमने 2020 की बात करें तो हमने कोरोना वायरस को झेला है, अब 2021 में बर्ड फ्लू भी आ गया, जो भी एक इन्फ्लुएंजा टाइप का ही वायरस है। तो मैं दर्शकों से ये अपील करना चाहती हूँ, लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, सारे वायरसेस को डील करने का एक ही तरीका होता है कि आप अपने आप को डिस्टेंस बना के रखें, क्योंकि वायरस जो है ना ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से ही फैलता है। आपने छींक आई, छींक किसी और पे गई तो उसको भी हो सकता है, और स्पेशली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट होते हैं, बच्चे होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, उनको खासकर ध्यान रखना पड़ता है एज कम्पेयर टू यंगस्टर्स, उनको जल्दी से वायरस फैलता है जी जी। और जैसे ट्रांसप्लांट के पेशेंट, क्योंकि हम लोग तो ट्रांसप्लांट के पेशेंट यहाँ पे डील करते हैं, तो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट को जल्दी उनकी इम्यूनिटी कम होती है, क्योंकि वो ऑलरेडी एक ऑर्गन वो लेके बैठा, एक्सटर्नल ऑर्गन उनकी बॉडी में होता है जी जी। और वो ऐसी दवाइयाँ भी खाते हैं जिससे उनकी इम्यूनिटी कम रहे जी। तो ऐसे लोगों को इम्यूनिटी कम होने की वजह से वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन, किसी भी तरीके के इन्फेक्शन जल्दी पकड़ते हैं। तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की बात करें या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज की पेशेंट की बात करें या बच्चों की बात करें और बुजुर्गों की बात करें, सभी को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखनी चाहिए, मास्क और ग्लव्स
पहन के रखने चाहिए, और या फिर अगर ग्लव्स नहीं पहन सकते हैं कम से कम मास्क तो पहन के रखना चाहिए, और हाथों को साबुन से और पानी से बार बार धोते रहना चाहिए। जहाँ पे साबुन और पानी अवेलेबल ना हो वहाँ पे सैनिटाइजर यूज़ करना चाहिए, लेकिन हर वक्त सैनिटाइजर यूज़ करें ये भी ज़रूरी नहीं है। बेस्ट जो डिसइंफेक्टेंट है आपको सिर्फ साबुन और पानी ही किसी भी वायरस से मुक्त कर सकता है, तो बेहतर ये है कि आप बार बार अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहिए। अभी जैसे बर्ड फ्लू आ गया है, तो बर्ड फ्लू के केसेस में आप ये कर सकते हैं कि जैसे चिकन और अंडा कम खा लीजिए, क्योंकि ये भी एवियन एक ये बर्ड फ्लू भी एक इन्फ्लुएंजा वायरस ही है। इसमें भी सेम ही सिम्टम रहते हैं, खांसी बुखार जुकाम ऐसा ही रहेगा, लेकिन क्योंकि ये एवियन इन्फ्लुएंजा है तो ये पक्षियों से फैलता है, इंसान में तो कम ही मिलता है। अगर मिल रहा है तो मैं ये दरख्वास्त करूँगी कि आजकल अभी जब तक ये इसका प्रकोप है तब तक आप लोग चिकन और अंडा कम खाइए, अवॉइड करना चाहिए बेसिकली। मैम क्योंकि वायरस के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो हमने सुना है कि वायरस जब कोल्ड होता है हमें, यूजुअली जुकाम होता है, तो जुकाम जो है वो हर बार एक नए वायरस से होता है। अब क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं, आप बेहतर समझा पाएंगी हमें और हमारे दर्शकों को कि क्या सच में ऐसा होता है कि एक नए वायरस से हर बार होता है, और अगर ऐसा होता है तो क्या रीजन उसके पीछे ये है कि पिछला वायरस जिससे हमें हुआ होता है उससे लड़ने के लिए हमारी बॉडी ने उतने इफेक्टिव चीजें अपने अंदर बना ली होती हैं, बिल्ड कर ली होती हैं, वो इम्यूनिटी हमारे यहाँ बिल्ड हो गई होती है कि अब दोबारा से वो वायरस हमें इफेक्ट नहीं कर सकता। आप सही कह रही हैं कि वायरस जब भी हमारा नॉर्मली अगर जुकाम बुखार जरूरी नहीं है कि एक ही टाइप का वायरस हमें इन्फेक्ट कर रहा है, कभी कभी रिपीटेड सेम सिमिलर वायरस हमें इन्फेक्ट कर सकता है, क्योंकि हमारी इंडिविजुअल इम्यूनिटी के ऊपर डिपेंड करता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे मान लिया आपकी इम्यूनिटी ऐसी है कि आपने उस वायरस के अगेंस्ट अपनी बॉडी को इम्यून बना लिया है, तो उससे मिलता जुलता डिफरेंट वायरस आपको दोबारा इन्फेक्ट कर दें। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको एक बार इन्फेक्शन हो गया तो उसी वायरस से दोबारा इन्फेक्शन नहीं होगा, क्योंकि ऐसे भी इंडिया में स्ट्रेन्स मिले हैं कि सेम टाइप का वायरस री इन्फेक्शन केसेस भी आए हैं सिमिलर वायरसेस से। अभी क्योंकि कोरोना के बाद दूसरी स्ट्रेन तो अभी मिली है, अभी पहले ऐसा काफ़ी हमें तो अगस्त से ही ऐसे स्ट्रेन्स मिल रहे हैं कि जिनमें बच्चों और बुजुर्गों ने बहुत लंबा टाइम तक इन्फेक्ट रहे हैं कोरोना वायरस से, और या फिर एक बार रिकवर होके भी दोबारा उसी स्ट्रेन से इन्फेक्ट हुए हैं। तो ये कहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि भाई अगर हमारे पास एक ही वायरस से इन्फेक्शन हो गया तो दोबारा उसी वायरस से रीइन्फेक्ट, मतलब बॉडी को उतनी इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रांग होनी चाहिए, अगर नहीं है तो फिर वो दोबारा इफेक्ट कर सकता है, कर सकता है। और सभी वायरसेस ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप के ही होते हैं, तो अगर आपको इन्फेक्शन हो गया या सिम्टम सिमिलर भी आ रहे हैं तो एक कैटेगरी वायरस है उससे हमें डॉक्टर से फिजिशियन से जाँच कर पता कर लेना चाहिए, एक सजेशन लेना चाहिए कि हमें किस टाइप से उसकी जांच करवानी चाहिए। और जांच बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम जांच नहीं करवाते हैं तो हम हो सकता है पुराने वायरस की ही दवाई या मेडिसिन एंटीवायरल ले रहे हो, लेकिन हमें अभी दूसरे टाइप की स्ट्रेन या वायरस का इन्फेक्शन हो रहा होगा। जी मैम क्योंकि अगर हम लैब की बात करें तो माइक्रोमोल सॉल्यूशन को लोग क्यों चुने, मतलब जैसा आपने हमें बताया कि यहाँ पर टाइम और कॉस्ट इफेक्टिव भी है, तो और क्या क्या अच्छी टेक्निक्स हैं, बेहतर टेक्निक्स हैं कि जो हमारे व्यूअर्स हैं वो माइक्रोमोल सॉल्यूशन के पास आएँ, क्योंकि हर कोई चाहता है कि एक तो बेटर कॉस्ट इफेक्टिव हो और दूसरा जल्दी से जल्दी रिपोर्ट्स मिल जाएं, क्योंकि जब मेडिकल या परेशानियाँ हमें जब होती हैं, कोई बीमारी होती है, तो बहुत ज़रूरी होता है कि जितनी जल्दी इस चीज़ का हमें रिपोर्ट्स पता चल जाए उतनी जल्दी हम अपनी जो है दवाइयाँ शुरू कर सके। तो ऐसे में कौन सी ऐसी लेटेस्ट टेक्निक्स हैं आपके पास जिसकी वजह से हमारे दर्शकों को यहाँ पर ज़्यादा इफेक्टिव चीज़ें मिलेंगी और ज़्यादा जल्दी जो है चीज़ें यहाँ पर मिल पाएंगी ताकि वो यहाँ पर प्रेफर करें आना? माइक्रोमोल सॉल्यूशन को क्यों लोग चूज करें, जैसे मैं बता रही हूँ कि माइक्रोमोल का नाम ही बताता है कि ये स्पेशलाइज्ड है मॉलिक्यूलर माइक्रोबायोलॉजी के लिए। इसमें माइक्रोबायोलॉजी और मॉलिक्यूलर टेक्निक्स के अलावा हमारे पास इम्यूनोफ्लोरोमेट्री टेक्निक्स भी हैं, जो कि और दूसरे लैब्स कम से कम 7 दिन तो लगाती ही हैं टेस्टिंग के लिए। हमारी मॉलिक्यूलर माइक्रोबायोलॉजी लैब है जो कि उन टेक्निक्स को 1 से 2 दिन में आप पेशेंट को रिपोर्ट दे देती है, जिससे कि उनको
उनके और एक्सपेंसिव जो डॉक्टर का ट्रीटमेंट है जो डिले होना है वो उससे बच जाता है, समय उनका बहुत ज़्यादा बच जाता है, उनका ट्रीटमेंट जल्दी स्टार्ट हो जाता है। कॉस्ट इफेक्टिवनेस की बात करें, रेट के कंपैरिजन में हम और लैब के कंपैरिजन में हमारे रेट्स बराबर ही होंगे, या हम लोग जैसे सीनियर सिटीजन हैं उनको डिस्काउंट्स अवेलेबल कराते हैं, या जैसे हमारे ट्रांसप्लांट के पेशेंट हैं हमारे उनकी हमारे उनको कूपन स्कीम देते हैं ताकि उनको रिपीटेड टेस्टिंग कराने में बार बार अपनी जेब से बाहर पैसे ना खर्च करने पड़े। तो उन लोगों के लिए जो रिपीटेड टेस्टिंग कराते हैं उनको बहुत फ़ायदा होता है माइक्रोमोल में आके, एक तो रिपोर्ट जल्दी मिलती है और पैसे का भी उनका हम लोग बचत हो जाती है, टाइम की बचत हो जाती है। टेक्निक अच्छी होने की वजह से क्लिनिशियन को रिपोर्ट्स टाइमली मिलके उनका ट्रीटमेंट जल्दी चालू, परफेक्शन रिपोर्ट में रहती है, रिपोर्ट में बहुत ज़्यादा परफेक्शन है क्योंकि टेक्निक्स हमारी बहुत एडवांस्ड है, हमने ज़्यादातर क्लोज सिस्टम रखे हैं जिससे कि पेशेंट को कोई भी जो हैंड्स ऑन प्रोसीजर है ना उससे बचा जा सके, ताकि जो भी हैंड्स ऑन एरर होते हैं ह्यूमन एरर होते हैं वो लैब में कम से कम रहे। मैम एक सवाल मेरा आपसे ये था कि कोविड 19 का टेस्ट जो है वो काफी जगहों पर जो है वो अभी भी बहुत सारी ऐसी लैब्स हैं जहाँ पर अभी भी नहीं हो रहा है, जबकि गवर्नमेंट की गाइडलाइंस प्रॉपर तरीके से दी गई है, तो क्या हमारे पास यहाँ पर माइक्रोमोल सॉल्यूशन में कोविड 19 का टेस्ट अवेलेबल है? माइक्रोमोल सॉल्यूशन में जी हाँ कोविड का टेस्ट अवेलेबल है, हम लोग सीबीनेट टेक्निक से करते हैं जो कि बहुत ही लेटेस्ट टेक्निक है। हमारे पास उस टाइप के पेशेंट आते हैं जिनको हॉस्पिटल में एडमिशन चाहिए होता है या फिर डायलिसिस करवाना होता है अर्जेंट। सीबीनेट टेक्निक का ये फ़ायदा होता है कि उसकी रिपोर्ट बहुत जल्दी मिलती है, सैंपल देने के 1 से 2 घंटे में ही उसकी रिपोर्ट आ जाती है और उसकी एक्यूरेसी भी 99% है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल RT-PCR। तो हम लोग जैसे मैंने भी अपने पहले भी बताया, हम लोग माइक्रोमोल में ऐसी चीज़ों को प्रमोट करते हैं जिससे कि पेशेंट को फ़ायदा हो, पेशेंट का समय बचे। तो कोविड 19 की अगर बात करें, कोविड 19 में ऐसी टेक्निक्स को यूज़ करना चाहिए जिससे कि इन्फेक्शन कम फैले, लैब वाले जो हेल्थ केयर वर्कर हैं उनको इन्फेक्शन कम हो। तो ये जो हमारा सीबीनेट टेक्निक जो हम जीन एक्सपर्ट से कर रहे हैं वो एक क्लोज सिस्टम है, उससे हेल्थ केयर वर्कर को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती। टाइम जो उसका लगता है टेस्टिंग का सिर्फ 51 मिनट है, रिपोर्ट पेशेंट को जल्दी मिलती है, और जैसे किसी को हॉस्पिटल में एडमिशन लेना हो या सर्जरी की ज़रूरत हो, आजकल तो हर एक प्रोसीजर से पहले डॉक्टर्स हॉस्पिटल या डायलिसिस करने से पहले सभी रिकमेंड करते हैं फिजिशियन कि कोविड 19 का टेस्ट उन्होंने कराया हो पेशेंट ने, तो उन पेशेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि कोविड 19 टेस्ट करवाएँ। माइक्रोमोल सॉल्यूशन में होता है सीबीनेट टेक्निक के थ्रू, जीन एक्सपर्ट के थ्रू हम लोग करते हैं, 1 घंटे में हम लोग रिपोर्ट दे रहे हैं और होम कलेक्शन को हम प्रेफर करते हैं। जी बिल्कुल, कोविड 19 का टेस्ट क्योंकि सभी जानते हैं कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि पूरे देश में पता चले कि आखिर कितने लोग जो है वो इससे इफेक्ट हुए हैं और कितने लोग ठीक हुए हैं, ताकि देश को जो है आगे की आने वाली परेशानियों से बचाया जा सके। मैम टेस्ट की हम जिस तरीके से बात करें तो टेस्ट के कुछ पैरामीटर्स भी सेट किए होते हैं अलग अलग लैब्स के अकॉर्डिंग या फिर अलग अलग चीज़ों के अकॉर्डिंग, तो आपके यहाँ पर क्या पैरामीटर्स हैं, अगर कोई यहाँ पर टेस्ट के लिए आ रहा है तो क्या पैरामीटर्स उसके माइंड में सेट होने चाहिए? माइक्रोमोल की बात करें तो माइक्रोमोल में वैसे तो सारे ही टेस्ट होते हैं, हालांकि स्पेशलाइज तो हमने मॉलिक्यूलर माइक्रोबायोलॉजी के हिसाब से बनाई है, लेकिन नॉर्मल पैरामीटर लाइक नॉर्मल हीमोग्राम हो गया, लिवर किडनी थायराइड हो गए, विटामिन्स हो गए, कैंसर एंटीजेंस हो गए, ये सब तरीके के टेस्ट होते हैं। लेकिन हमारा स्पेशलाइजेशन खुद का, हम इम्यूनोफ्लोरोमेट्री टेक्निक्स हो गई, इम्यूनोलॉट टेक्निक्स हो गई, गैस्ट्रिक पैनल हो गए, वायरोलॉजी में अगर हम बात करें हेपेटाइटिस सी आरएनए हो गया, हेपेटाइटिस बी डीएनए हो गया, एक ट्रांसप्लांट के बाद बहुत ज़रूरी होता है एक ऑन्कोजेनिक वायरसेस होते हैं CMV और BK वायरसेस, उनकी टेस्टिंग हमारे यहाँ पे होती है। और सभी का मेरे को बहुत बताते हुए गर्व महसूस होता है कि सभी का जो रिपोर्टिंग टाइम है बहुत जल्दी होता है, रेट बहुत इफेक्टिव हैं और लैब के कंपैरिजन में हम बहुत जल्दी रिपोर्ट करके हाईली स्पेशलाइज्ड टेक्निक से दे पाते हैं जिससे कि पेशेंट को फायदा हो और क्लिनिशियन को भी फायदा हो ताकि करेक्ट डायग्नोस वो कर पाए पेशेंट को किस हिसाब से उनको इलाज करना है। बिल्कुल, क्योंकि डायग्नोस करना, सही डायग्नोस होना बहुत जरूरी है ताकि मेडिकेशन आगे की परफेक्ट तरीके से हो सके। मैम आपने इतना सारा हमें वक्त आपका दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी पूरी टीम न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया की टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया भारती, आप लोगों ने माइक्रोमोल सॉल्यूशन को एक
अपॉर्चुनिटी दी न्यूज वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म पे आके बताने के लिए। थैंक यू। तो ये भी हमारे साथ डॉक्टर अर्चना जो कि माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं और इन्होंने तमाम जानकारी हमें दी है कि किस तरीके से ये जरूरी है कि हम हर बार एक स्पेसिफिक टाइम के बाद अपने टेस्ट करवाते रहें ताकि कोई परेशानी हमें ना देखने को मिले अपनी आगे की लाइफ में। एक हेल्दी जीवन जीने के लिए एक हर बार एक टेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है और माइक्रोमोल सॉल्यूशन जो है वो आप प्रेफर कर सकते हैं आपकी अपनी मर्जी के हिसाब से। तो फिलहाल के लिए डॉक्टर स्पेशल में बस इतना ही। जुड़े रहिए न्यूज वर्ल्ड इंडिया के साथ। अगर आपको हमारी एक खास बातचीत पसंद आई तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।